आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रेश समर मेकअप ट्यूटोरियल, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम यूज करेंगे सनस्क्रीन। यहाँ पे मैं न्यूट्रीजीना का सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ। न्यूट्रीजीना का सनस्क्रीन ऑयली स्किन पे बहुत ही अच्छा वर्क करता है और ये मैट फिनिशिंग लुक देता है, और इसकी अच्छी बात तो ये है कि ये वाटरप्रूफ है। उसके बाद हम यूज करेंगे एलोवेरा जेल। यहाँ पे मैं पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ। आपके कोई भी पसंद का एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं। एलोवेरा जेल हमारे फेस पे प्राइमर का काम करेगा और ये हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग टिकाए रखेगा। उसके बाद मैं यूज करूंगी लैक्मे 925 वेटलेस मूस फाउंडेशन। इसे मैं मेरे पूरे फेस पे और नेक पे अप्लाई करूंगी। इसका टेक्सचर बहुत ही लाइट वेट है। अगर आपको फ्रेश मेकअप लुक अच्छा लगता हो तो ये फाउंडेशन आपके लिए बेस्ट है। इसे अप्लाई करने से हमारा फेस बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगता है और ये मीडियम कवरेज देता है, और ये बहुत ही अफोर्डेबल है। ये हमारे स्किन पे मैट फिनिशिंग लुक देता है और ये हमारे फेस पे बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है, और ये डेली यूज के लिए एक परफेक्ट फाउंडेशन है। डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए मैं यूज करूंगी एलेगल प्रो HD कंसीलर। इसे मैं अंडर आई एरिया पे ट्रायंगल शेप में अप्लाई करूंगी, जिससे मेरे डार्क सर्कल अच्छी तरह से हाइड हो जाए। हाइलाइटिंग के लिए भी मैं इसे यूज करूंगी। इसे मेरे फोरहेड पे, नोज लाइन पे, क्यूपिड्स बो पे और चिन पे अप्लाई करूंगी। कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए मैं स्पॉन्ज का यूज करूंगी। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन हो तो ये कंसीलर आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसका फॉर्मूला बहुत ही क्रीमी और सॉफ्ट है। ये कंसीलर बहुत ही लाइट वेट है और इजीली ब्लेंड हो जाता है। यूज करूंगी लॉरियल मैट मैजिक कॉम्पैक्ट पाउडर। इस कॉम्पैक्ट को मैं मेरे पूरे फेस पे अप्लाई नहीं करूंगी, क्योंकि हमने जो फाउंडेशन यूज किया था वो बहुत ही लाइट वेट और स्मूथ था। इसके बाद मैं यूज करूंगी लैक्मे 925 आई शेडो पैलेट। इसमें से ये ब्राउन शेड में मेरे पूरे आईलिड्स पे अप्लाई करूंगी, और इसे ब्लेंड करने के लिए मैं यूज करूंगी कलर बार ब्लेंडिंग ब्रश। ये ब्राउन शेड थोड़ा शिमरी है, इसलिए मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है, और स्पेशली ये फ्रेश लुक के लिए बहुत ही बेस्ट शेड है। ट्रांजिशन शेड के लिए मैं यूज करूंगी लॉरियल मैट मैजिक कॉम्पैक्ट पाउडर। इसे मैं क्रीज लाइन पे अप्लाई करूंगी। उसके बाद मैं यूज करूंगी लैक्मे आइकॉनिक काजल, और मेरा शेड है व्हाइट। फ्रेश लुक के लिए ये व्हाइट शेड बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। अगर आपकी आई स्मॉल हो तो इसे बिग दिखाने के लिए आप व्हाइट शेड यूज कर सकते हो। ये शेड हमारे आईज पे नेचुरल लुक देता है। अगर आपको व्हाइट शेड अच्छा ना लगता हो तो आप ब्राउन शेड भी यूज कर सकते हो। उसके बाद आई लैशेज को कर्ल करने के लिए मैं यूज करूंगी वेगा आई लैश कर्लर। उसके बाद यूज करूंगी मेबिलिन द हाइपो कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्करा। ये मस्करा हमारी आई लैशेज को बहुत ही ब्यूटीफुली कर्ल करता है और एकदम नेचुरल लगता है, और ये लॉन्ग लास्टिंग और वाटरप्रूफ है। इसे मेरे अपर लैश और लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूंगी। आईब्रोज को सेट करने के लिए मैं सेम मस्करा यूज करूंगी। बाद में यूज करूंगी सिवाना अल्ट्रा ब्लश पैलेट। कॉन्टूर के लिए मैं ये ब्राउन शेड यूज करूंगी, और इसे मेकअप फॉर यू कॉन्टूर ब्रश की मदद से ब्लेंड करूंगी। हाइलाइटिंग के लिए सेम पैलेट से ये शिमरी शेड यूज करूँ। हाइलाइटिंग को ब्लेंड करने के लिए मैं मेरी फिंगर का यूज करूंगी। इसे मेरे चीक बोन पे, नोज एरिया पे, क्यूपिड्स बो पे, चिन पे और फोरहेड पे अप्लाई करूंगी। लास्ट में मैं यूज करूंगी कलबा क्रीम टच लिपस्टिक। ये बहुत ही प्रीटी पीच शेड है और ये इंडियन स्किन टोन पे बहुत ही प्रीटी लगता है। तो ये है मेरा फाइनल लुक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए। Till then, bye-bye. Take care.